हेलो दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं? हम दोनों माँ बेटी मिल करके कर रहे हैं किचन की सफाई, क्योंकि और सब वो सफाई होती रहती है रोजाना। पर किचन की सफाई, त्योहार हो और किचन की सफाई ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो सफाई होती रहती है डेली की डेली, पर फिर भी मैंने सोचा चलो अखबार वगैरह बदल देते हैं, कागज जो लगाने हैं उनको लगा देते हैं। तो नीलू और मैं दोनों कर रहे हैं सफाई, तो देखिए इस तरह से हमारी सफाई हो रही है। वैसे सफाई तो डेली से ही होती है। और मेरी तबीयत दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैं दवाई ले करके आ रही हूँ, रोज़ाना रोज़ाना मेरी दवाई चल रही है। तो उसके साथ में मैंने थोड़ा सा पहले ही नाश्ता कर लिया था, बिस्किट खा लिए थे दोस्तों। तो उसके साथ में मुझे दवाई खानी थी, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो ये दवाई मैंने खा ली है अपनी, और ये एक सीरप दी है जो कि नीम करेला की सीरप है दोस्तों। ये बहुत कड़वी सीरप है, ये पीती भी नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती पीनी पड़ती है दोस्तों मुझको। पर क्या करूँ, ठीक होना है तो पीनी पड़ेगी। तो ये जूस है इसमें, मतलब जूस नहीं है, सीरप के नाम से ही दिए, नीम करेला जामुन के नाम से है कुछ। इसमें बहुत सारी बीमारियां सही होने के मतलब लिखा हुआ है, पर मुझे नहीं पता। पर ये एक नीम की तरह ही और करेले की तरह ही बहुत कड़वी है, ये बहुत पीने में बहुत हेलो दिक्कत हो। दोस्तों, राधे राधे सभी को, और सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हमने सफाई कर ली है अपनी रसोई की, क्योंकि त्योहार, होली का त्योहार आने वाला है। 2-4 दिन में त्योहार आ जाएगा, 24 तारीख की तो होली है ही। तो दोस्तों, अभी हमने ये सफाई कर चुके हैं, देखिए इस तरह से। तो ये इसमें थोड़ा बहुत सामान है, और अभी सामान जो लेके आए हैं हम, वो हमें सामान भरना है। अभी अभी थोड़े आधे आधे हो चुके हैं ये। तो देखिए ऐसी सफाई हुई है हमारी, देखिए। तो दोस्तों चलिए सामान भरते हैं हम पहले, ठीक है? तो कितना भी वो करो, धीरे 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 बहुत सारा काम निकल आता है दोस्तों। तो थकान हो गई थी इस वजह से थोड़ी वीडियो बंद करके रख दी। फिर नहाने धोने के बाद में खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद में फिर अभी थोड़ा आराम किया। फिर चलो लगाते हैं सामान, दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कम पैसों में कितना सारा सामान आता है। तो ठीक है, चलिए। लाइट जा रही है। नहीं 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 थोड़ी नहीं नहीं थोड़ी नहीं 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 अरे यहाँ भरूंगी मैं, यहाँ पे भरूंगी। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है दलिया, तो दलिया किसी में खाली करना है, क्योंकि थोड़ा सा बचा है इसमें दलिया। और इसमें है चना, तो पहले इसमें से सामान निकालते हैं हम, क्या क्या सामान है इसमें। तो ये है चुर्री, कुरैरी दोस्तों, कुरैरी जो के होली के त्योहार में पापड़ कुरैरी जो बोले जाते हैं, ये कुरैरी है, ये भी कुरैरी है। और कौन, तो इसमें है मैदा, मैदा 2 किलो लेके आए थे। तो दोस्तों मैदा लेके आए थे हम 2 किलो, क्योंकि गुजिया बनाई जाएंगी। अब होली के टाइम पे गुजिया ही ना बने तो क्या मतलब है, तो गुजिया बनेगी हमारे यहाँ पर। और ये है पोहा, 1 किलो, 1 किलो का है, हाँ 1 किलो का है। ये है बिस्किट, और इसमें है चने, और इसमें काले चने, और ये है बूरा, और ये है बेसन, इसमें है दाल, और इसमें क्या है, इसमें मसाले हैं, और इसमें मूंगफली, और ये है सूजी। सूजी लाए थे हम 1 किलो, जो कि गुजिया बनाने के लिए। और थोड़ा बहुत इसमें राजमा, ये दाल है उड़द की, ये दाल है, ये मूंग है साबुत, और इसमें मसूर की दाल है। और ये है हमारे चावल 2 तरह के, ये बिरयानी वाला चावल है, ये टुकड़ा चावल है बासमती टुकड़ा। तो इसको तो इधर रख देते हैं इसको पहले, और इसमें भी थोड़ा बहुत सामान है, तो इसको देखते हैं पहले इस सामान को।
भरना पड़ेगा। चलो पहले भरते हैं। तो हमारे यहाँ पर थोक की दुकान है, थोक की दुकान है मतलब थोक की मार्केट है हमारे यहाँ पर आगरा में। तो वहां से हम सामान लेते हैं तो सस्ता सामान मिल जाता है। वो देखिए एक नंबर का सामान मिलता है, पूरा पैकेट वाला सामान नहीं लेते हैं हम, तो बढ़िया सामान मिलता है एक नंबर। तो इसमें हम भर देंगे, पहले के ही थोड़े से चने हैं इसमें। तो पहले से ही हमारे चने थे दोस्तों, तो और चने ले आए, जो काबुली छोले चने बोलते हैं हमारे यहाँ, चने बोलते हैं काबुली चने, तो वो भी ले आए। सारा सामान था थोड़ा थोड़ा, पहले ही दाल इतनी रखी थी डिब्बे में, फिर भी मैं आधा किलो ही दाल लेके आई थी। लेकिन दोस्तों इतना सारा सामान, हमारा थोक मार्केट है ना आगरा में, तो इतना सारा सामान बहुत ही कम दामों में आ जाता है, इस चीज़ का हमारे लिए बहुत अच्छा है। इधर मतलब गरीब से भी गरीब होगा ना वो भी इंसान भूखा नहीं रहेगा, उसका भी त्यौहार बगैर मने मनाए नहीं रह सकता है। तो हमारे थोक मार्केट है, वहाँ से हम लेके आते हैं तो बहुत ही सस्ता सामान मिलता है, और सामान भी एक नंबर का मिलता है। तो ये राजमा भी थोड़ा सा लेके आई थी, तो राजमा भी मैंने डाल दिया इसमें, काबुली चने भर दिए, दाल थी दाल भर दी, अरहर की दाल थी अरहर की दाल लेके आए थे वो भी भर दिए उसमें, मूंग की दाल साबुत लेके आए थे लेकिन वैसे नहीं लेके आए थे, क्योंकि पहले की मेरी अभी तक 1 किलो दाल रखी हुई है। मूंग की दाल हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बनती है, काली दाल ज़्यादा बनाते हैं हम लोग, और अरहर की दाल ज़्यादा बनती है हमारे यहाँ, तो चावल के साथ में वो ही अच्छी लगती है हमें। मूंग की दाल तो बहुत कम खाते हैं। ये साबुत मूंग लेके आए थे, स्प्राउट बनाने हैं दोस्तों अब की बार मुझे। और ये हींग 100 रुपये की है, पर हींग बहुत एक नंबर हींग है, ये बहुत ही अच्छी हींग आती है। इसमें मसालों में ज़्यादा मसाले मुझे नहीं लेने थे, तो मसालों में मैं जीरा और हींग और हल्दी लेके आई थी। तो दोस्तों जो चीज़ है हमारे पास में वो हम नहीं लेके आए थे, क्योंकि अभी पिछले महीने 1-1.5 महीना सा हो गया होगा जब मेरा सामान आया था, तो अभी तक इतना सामान ख़त्म होने का नाम दिया उसने, तो ना ख़त्म ही नहीं हुआ, तो फिर लाने का क्या। फिर जो त्यौहार पे हमें ज़रूरत थी उस सामान को हम लेके आए थे। तो ये देखिए कितनी सारी कुरेरी पापड़ हमारे यहाँ आ चुके हैं, पापड़ अभी अंदर रखे हुए हैं, मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ इस वीडियो में। पापड़ जो मूंग दाल के और उड़द दाल के होते हैं वो पापड़ थे, और थोड़ी सी मेवा, थोड़ी थोड़ी 100-100 ग्राम मेवा भी ली थी हमने, क्योंकि गुजिया बनानी है तो गुजिया में मेवा डालनी होती है हमको, तो मेवा भी ली थी हमने। और गुजिया बनेंगी आपको दिखाएंगे दोस्तों अभी, क्योंकि हमारे यहाँ गुजिया सेब ये चीज़ों का है, लेकिन मैं अभी इस वक्त पे थोड़ा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने मायके जाना है, मुझे अपने घर पे जाना है, क्योंकि मेरी मम्मी का पहला त्यौहार है। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, इस वजह से इसी मतलब साल में, मतलब मई में 1 साल होगी उनको, तो लेकिन उनका होली का पहला 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 त्यौहार पड़ रहा है, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा 2-4 दिन के लिए, तो वहीं पे रुकूंगी मैं। तो ये देखिए दोस्तों इसमें मेवा थी, और इसमें थी ये बड़ी जो कटिंग वाली बड़ी होती है ना, वो वाली बड़ी लेके आई थी अब की बार। पिछली बार जो छोटी छोटी होती हैं, पिछली बार उनको लेके आई थी, अब की बार कटिंग वाली लेके आई थी सब्जी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये बैठ गए और मेरे से बोले चल चाय बना ले, चाय पियेंगे। तो ये कह रहे थे कि कप बनवा लेते हैं, 1 कप बनवा लेते हैं, दोनों का फोटो लगवाएंगे उसमें, एक में एक इंतजार करेगा एक पिया करेगा। तो मैंने सोचा हाँ 1 कप से क्या फ़ायदा, बनवाने तो 2 बनवाओ, 1 कप में एक पिएगा। तो इतनी देर में इनकी बातों में ही मेरी चाय निकल गई, मैंने जितनी सफाई की उतना ही सारा गंदा हो गया मेरा, उधर चाय फैल गई सब। तो ये देखिए हमारी चाय के चक्कर में, मतलब कप के चक्कर में, तो ये अम्मा बाबा के लिए चाय कर दी मैंने, तो नीलू देने जा रही है चाय अम्मा बाबा को, और अब हम पियेंगे चाय। और देखिए ये साइनी है ना, ये साइनी इनको छोड़ के नहीं जाएगी, इन्हीं के पास में बैठी रहेगी यहीं पे, तो मेरे से ये कुछ बोल रही है, तो मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है दोस्तों। मुझे कमेंट करके बताना कि गुस्सा कैसे ठंडा किया जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो चाय पी लीजिए आप लोग भी, सभी लोग। तो ठीक है, तो देखिए हम चाय पी रहे हैं, और
चाय शाम हो चुकी है, 4:30-5 का टाइम हो रहा होगा, इस वजह से चलो चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि थकान हो गई थी। मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना, पैरों में दर्द है और बुखार की शिकायत हो रही है थोड़ी, तो इस वजह से थोड़ा रुक रुक के काम करना पड़ता है। तो सभी लोग मतलब रसोई में ही हमने पंचायत लगा ली अपनी, दोस्तों देखिए सभी लोग हम बैठ गए, और नंदनी नंदू है जो वो बना रही है वीडियो, हमारी ओकेशना है वो बाहर खेल रहा है, तो साइनी और उसके पापा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी किचन कैसी है, आप देख सकते हैं इस तरह का लुक आ रहा है हमारी किचन का। तो चलिए, अभी मेरा माइक भी बंद हो गया था दोस्तों, इस वजह से मुझे ऊपर का रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।